एपिसोड 130 लेकर आ गया हूँ अर्बन कल्टीवेटर का। फिर हमें 2 महीने के बाद दिखाया जाता है। एक आदमी चैन को बोलता है, हे चैन, क्या तुम फिर से पढ़ने के लिए लाइब्रेरी जा रहे हो? हमारे घर में एक्स्ट्रा कैरेट पड़े हुए हैं, तो जाते हुए उसे ले जाना। दूसरा आदमी बोलता है, चैन, जर्नी टू द वेस्ट कहानी सुनाया था, वो सही में बहुत ही बढ़िया है, तुम उसे कब कंटिन्यू करने वाले हो? चैन बोलता है, अभी समय नहीं है, मैं तुम्हें बाद में सुना देता हूँ। फिर वो लाइब्रेरी में चला जाता है। एक आदमी बोलता है, हे चैन, क्या तुम फिर से यहाँ पर पढ़ने आए हो? चैन बोलता है, हाँ सर, मुझे लगता है कि हमारे हुआ लोगों का इतिहास अभी तक कंप्लीट नहीं है, जैसे कि वो लोग कहाँ से आए और उनका कल्टीवेशन लेवल कितना है, यहाँ पर इनके बारे में कुछ भी नहीं है। वो आदमी बोलता है, मुझे इन सब के बारे में पता नहीं है, अगर तुम्हें इस बारे में जानना है तो तुम टेम्पल में चले जाओ। चैन बोलता है, ठीक है, आपका शुक्रिया। तभी एक लड़की बाहर आके बोलती है, ब्रदर, दादा आप लोग वापस आ गए, देखिए मैं राइस केक बनाई हूँ, क्या आप ट्राई करना चाहोगे? चैन अपने मन में बोलता है, ये जाओ है, मैंने इसे नॉर्थ सी में डिमन से बचाया था, इसका पूरा फैमिली मारा गया, अब ये मुझे अपने ही फैमिली मानती है। फिर वो बोलता है, जाओ, सही में तुम्हारा स्किल बहुत ही बेहतर हो गया पहले से, जाओ। बोलती है, आपका शुक्रिया। हाँ, मुझे याद आया, कल मेरा कल्टीवेशन का टेस्ट होने वाला है। 15 साल के अंदर के सभी लोग ये कल्टीवेशन का एग्जाम दे सकते हैं। जिसके अंदर कल्टीवेशन टैलेंट होगा वो एक दिन कल्टीवेटर बन सकता है, और मैं कल्टीवेटर बनके सी डिमन को मार दूंगी और अपने पेरेंट्स का बदला ले लूंगी। चैन बोलता है, चिंता मत करो, मुझे यकीन है तुम आराम से कामयाब हो जाओगी। जाओ बोलती है, हाँ मुझे भी यही लग रहा है। फिर वो दोनों सो जाते हैं। चैन अपने मन में बोलता है, मैं बहुत ही पहले हुआ सिटी से चला जाता और बाकी के 3 पिल को रिफाइन करके इमॉर्टल पिल बना लेता, लेकिन मैं ये लड़की को ऐसे छोड़ के जा नहीं सकता हूँ, क्योंकि इसके अंदर ट्रू ड्रैगन का डिवाइन पल्स है। फिर अगले दिन जाओ उदास होते हुए आती और बोलती है, मैं सिलेक्ट नहीं हो पाई। चैन बोलता है, हे जाओ, क्या तुम्हें कल्टीवेटर बनना है? जाओ बोलती है, हाँ बिल्कुल, लेकिन टेम्पल के एल्डर लोग बोल रहे हैं लेकिन मैं कभी बन नहीं पाऊंगी। चैन उसका सर सहलाते हुए बोलता है, क्योंकि वो गलत फैमिली में है। जाओ, तुम्हारा टैलेंट बहुत ही रेयर है, ऐसा कैसे नहीं हो सकता कि तुम कल्टीवेटर नहीं बन सकती हो। फिर वो उसके शरीर से ड्रैगन को निकाल देता है और बोलता है, अब एक बार फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट टेक्निक इस्तेमाल करो। जाओ बोलती है, ठीक है। फिर वो जैसे ही करने बैठती है वो हो जाता है, और ये देख कर वो शॉक्ड हो जाती है और बोलती है, ये कैसे हो सकता है, मुझे तो QI का एहसास हो रहा है, सही में मेरे अंदर तो कल्टीवेशन का टैलेंट है, अब जाओ भी कल्टीवेटर बन सकती है, अब मैं भी डिमन को मार के अपने लोगों को बचा पाऊंगी। फिर वो चैन को किस करके वहाँ से जाते हुए बोलती है, शुक्रिया भाई आपका, मैं ये खुशखबरी सभी को बता देती हूँ। चैन अपने मन में बोलता है, हुआ कि सभी लोगों का कर्ज मैं कैसे उतारूंगा, अभी तक मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं है। जाओ के शराब को तोड़ना इतना भी मुश्किल नहीं है, इसका टैलेंट की मदद से यह 100 साल में नेसेंट सोल में पहुंच जाएगी, ये मेरी तरफ से हुआ लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा गिफ्ट है। फिर हमें 1 महीने के बाद दिखाया जाता है। गु बोलता है, मास्टर, टेम्पल पे गया हुआ जाओ को 1 महीना हो चुका है, उसके बिना ये घर कितना खाली है। चैन बोलता है, हाँ तुम सही बोल रहे हो, टेम्पल वाले अपने सारा पैसा उस पर लगा रहे हैं, तो उसे थोड़ा सा मेहनत करना ही पड़ेगा। फिर वो अपने मन में बोलता है, मैं डिवाइन सेंस से देख पा रहा हूँ कि जाओ टेम्पल में क्या कर रही है, लेकिन ये बहुत ही अजीब है, टेम्पल में भी कोई भी रिकॉर्ड नहीं है ब्लड लाइन कर्स और लॉर्ड QITIN के बारे में, लेकिन उन लोगों का कल्टीवेशन टेक्निक बहुत ही ज्यादा सिमिलर है यूनियन सेक्टर से, क्या मैं सही में वहाँ पर जाकर इन्वेस्टिगेट करूँ क्या? कभी कोई दरवाजे को नॉक करने लग जाता है। गु बोलता है, लग रहा जाओ वापस आ गई। फिर वो वहाँ पर जाके देखता है, वहाँ पर कुछ और ही लोग होते हैं। गु उन लोगों को रोकते हुए बोलता है, रुक जाओ, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। चैन बोलता है, उन्हें अंदर आने दो, ये लोग हुआ के लेजेंडरी ब्लैक आर्मी है, और तुम किन लियो होगे, आर्मी के हेड। तभी एक आदमी बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हमारे लीडर को उनके नाम से बुला रहे हो। लियो बोलता है, मुझे नहीं पता कि तुम्हारा क्या बैकग्राउंड है, और ये तुम्हारा नौकर जिसका नाम डिंग है, इसे मेडिसिन और पिल रिफाइनिंग करना आता है, तुम लोग कम से कम प्रोफाउंड ओपनिंग लेवल कल्टीवेटर हो गए, जबकि तुम लोग नॉट सी के सी डिमन को मार दिए और होली मेडन को बचा लिए, मैं सही बोल रहा हूँ ना? गु बोलता है, तुम चाहते क्या हो? लो बोलता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम लोग कौन हो और कहाँ से आए हो और तुमने होली मेडन का टैलेंट को कैसे बाहर लाया, मैं यहाँ पर एक ही बात बताने आया हूँ, जाओ हुआ लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती है और यही हुआ लोगों का किस्मत बदल सकती है, मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई इसे डिस्ट्रैक्ट करे, अगर कोई ऐसा करना चाह मैं उसे मार डालूंगा। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। गु बोलता है, मास्टर वो बोलना क्या चाहता है? चैन बोलता है, वो वार्निंग देके गया है, लगता है कि टेम्पल के कुछ लोग जाओ के मेरे साथ देखना नहीं चाहते हैं। फिर हमें 3 महीने के बाद दिखाया जाता है। जाओ वापस आ जाती है। चैन बोलता है, जाओ तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जाओ बोलती है, हमारे एंसेस्टर ने बोला है मुझे कि मैं बहुत महीने से कल्टीवेट कर रही हूँ, इसलिए वो लोग मुझे घर जाने को बोल दिए, मैं सही में आप दोनों को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही थी,
चैन बोलता है, हे तू वापस आ गई हो ना, अब रोना बंद करो। गू बोलता है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि तू वापस आ गई हो, अब मैं तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा खाना बनाऊंगा। जाओ बोलती है, ये हुआ ना बात, मुझे सही में आपका खाना बहुत ही बढ़िया लगता है। फिर कुछ देर में वो बहुत सारे खाना बना देता है उसके लिए। जाओ बोलती है, वाह मैं कहाँ से खाना स्टार्ट करूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गू बोलता है, ये सभी खाना तुम्हारा ही है, खाना स्टार्ट करो। जाओ बोलती है, ब्रदर बहुत बड़े दाढ़ी वाले मुझे बहुत सारे टेक्निक सिखा रहे थे। चैन अपने मन में बोलता है, लग रहा है ये एल्डर के बारे में बात कर रही होगी टेम्पल का, वे लोग हुआ क्लैन के अब यूनिट लेवल के कल्टीवेटर बचे हुए हैं। जाओ बोलती है, सभी लोग बोल रहे थे कि लियो बहुत ही ज़्यादा सीरियस है और वो कभी स्माइल नहीं करता है, लेकिन वो जब भी मुझे देखता है वो स्माइल करता है। मैं एक बार देखी थी लियो ने एक बहुत बड़ा वाटर डिमन को एक ही बार में मार डाला था, वो सही में बहुत ही बढ़िया था। फिर वो अपने मन में बोलती है, ओ नहीं ब्रदर का कल्टिवेशन लेवल बहुत ही कम है, क्या उन्हें इसमें बुरा लग रहा है क्या? फिर वो बोलती है, ब्रदर मैं और भी ज़्यादा ताकतवर होंगी, फिर मैं सभी को बचा लूँगी और आपको भी। चैन बोलता है, ठीक है मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। तभी वहाँ पर लियो आ जाता है, बोलता है, होली मेडन समय आ गया वापस जाने का। जाओ बोलती है, लो क्या मैं यहाँ पर थोड़ी देर और नहीं रुक सकती? लो वो बोलता है, अब हुआ लोगों के लिए होली मेडन हो, अब यहाँ पर इतने आराम नहीं कर सकती हो, नहीं तो अब हम सभी को कैसे बचाओगी? जाओ चैन को बोलती है, मैं और भी ज़्यादा मेहनत करूँगी तो मुझे एल्डर यहाँ पर आने देंगे। चैन उसका सर सहलाते हुए बोलता है, कोई बात नहीं मिलने का मौका हमें और कभी मिल जाएगा। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। चैन अपने मन में बोलता है, वो टेम्पल का जो इंचार्ज होगा, हाँ याद आया उसका नाम जी चैंगिंग है, उसे ही पता होगा रेस्ट्रिक्टेड एरिया के बारे में, क्या मुझे एक बार जाकर पूछना चाहिए उसे। फिर हमें कुछ दिन के बाद दिखाया जाता है। गु बोलता है, मास्टर ड्रैगन बारबेरियन लोगों पर हमला कर रहे हैं। चैन बोलता है, ड्रैगन बारबेरियन उनका लीडर तो गोल्डन कोड लेवल का है ना? गु बोलता है, ड्रैगन बारबेरियन हुआ लोगों को ख़त्म करना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है हुआ इस बार बच पाएगा। चैन अपने मन में बोलता है, मुझे पता है दुश्मनों से मुकाबला कर रही होगी, अब लगता है कि मुझे अपना ताकत दिखाना होगा। फिर हमें ड्रैगन बैडमिंटन किंग को दिखाया जाता है, वो चिल्लाते हुए बोलता है, हे जी बाहर आ जाओ। जाओ बोलती है, तो ये है ड्रैगन बैडमिंटन किंग। लो बोलता है, ड्रैगन बैडमिंटन किंग अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। किंग बोलता है, लो तुम मेरे से मुकाबला करने के लायक नहीं हो, जल्दी से जी को बाहर लाओ, नहीं तो मैं हुआ सिटी और यहाँ के सभी लोगों को मार डालूंगा। लो बोलता है, क्या तुम्हें सिर्फ फेंकना ही आता है? किंग बोलता है, ठीक है मैं तुम्हें पहले मारूंगा, ये टेम्पल को तबाह करके जिंग को पकड़ लूंगा। फिर लो उस पर हमला कर देता है, बोलता है कोशिश करके देख लो, और वो आराम से उसे हरा देता है। बाकी के सभी लोग बोलते हैं, किंग क्या आप ठीक हो ना, चलो इसे मार डालो सभी लोग। तभी लो उन पर हमला कर देता है। फिर सब लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं, सर लो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। दूसरा आदमी बोलता है, वो पूरे हुआ क्लैन में सबसे ज़्यादा ताकतवर है। दूसरी तब जाओ अपने मन में बोलती है, ये बहुत ही अजीब है, लेकिन मुझे क्यों लग रहा है मेरा आलसी भाई लो से बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। लो बोलता है, हे ड्रैगन किंग क्या तुम लड़ना चाहते हो क्या आप भी? किंग बोलता है, लो तुम्हें क्या लग रहा है तुम जीत गए हो क्या? एंसेस्टर गॉड प्लीज सामने आइए। तभी वहाँ पर ड्रैगन बैडमिंटन गॉड आ जाता है। लो बोलता है, ड्रैगन बैडमिंटन गॉड तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम यहाँ पर आ गए, तुम्हें डर नहीं लग रहा है? यन और आर्टिक सेक्टर के मास्टर तुम्हें इसके लिए माफ नहीं करेंगे। बारबेरियन गॉड बोलता है, तुम होते कौन हो मुझसे ये सवाल पूछने वाले? फिर वो दोनों एक दूसरे पर हमला कर देते हैं और वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है। तभी सभी लोग देख के शॉक्ड हो जाता है कि बारबेरियन गॉड ने एक ही हमले से लियो को हरा दिया। बारबेरियन गॉड बोलता है, जी मैं यहाँ पर हूँ, क्या तुम मुझसे मिले बाहर नहीं आओगे क्या? जी बाहर आ जाता है, बोलता है ड्रैगन बारबेरियन गॉड, हम दोनों के प्रजाति के बीच संधि हुआ था और इनके गवाह है आर्टिक और यन सेक्टर, तुम्हें क्या लगता है तुम एग्रीमेंट तोड़ के कुछ भी कर सकते हो? ड्रैगन गॉड बोलता है, जी मैंने सुना है कि तुम्हारे सेक्टर में कोई रियल टैलेंटेड लोग आया है, तुम्हें क्या लगता है वो दोनों सेक्टर के मास्टर पहले की तरह तुम्हें बचाने आ जाएंगे? वो दोनों सेक्टर तुम्हारी मदद इसलिए किए हैं क्योंकि हुआ के लोग बहुत ही कमजोर हैं और उसे कंट्रोल कर सकते हैं, वो लोग कभी नहीं चाहेंगे हुआ के बीच से कोई भी गोल्डन कोर कल्टिवेटर बाहर आए। चिंता मत करो मैं हुआ लोगों पर हमला नहीं करूंगा, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि मुझे वो होली मेडन दे दो, क्या तुम एक को बचाने के लिए पूरा हुआ क्लैन को मरवा दोगे? फिर हमें यन कैपिटल में दिखाया जाता है, एक आदमी आके बोलता है, मास्टर क्या आप उनके बीच में नहीं जाओगे? हुआ के लोग अकेले बारबेरियन गॉड को हरा नहीं पाएंगे। यन बोलता है, जू तुम्हें पता है सबसे इम्पोर्टेंट पोजीशन क्या है? जू बोलता है, गोल्डन कोर लेवल। यन बोलता है, बिल्कुल, अगर हुआ क्लैन का होली मेडन ऐसे ही कल्टिवेट करती रही तो वो अगला ड्रैगन बारबेरियन गॉड बन जाएगी, मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा, मुझे पक्का पता है हुआ क्लैन एक के लिए पूरा क्लैन को मरने नहीं देगा, वह जल्दी हार मान के बारबेरियन गॉड का बात मान लेगा। जाओ बोलती है, मैं प्रॉमिस करती हूँ। लो बोलता है, नहीं होली मेडन ऐसा मत करिए,
जाओ बोलती है, अगर मैं अपना जान दे दूं, इसे मेरे सभी फैमिली बच जा रहे हैं, तो मैं ये करके बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। फिर बार्बेरियन गॉड हंसते हुए जाओ पर हमला कर देता है। फिर वो अपने मन में बोलती है, मैं मरने वाली हूँ, फिर भी मुझे कुछ एहसास नहीं हो रहा है। ब्रदर मुझे माफ़ कर देना, अब मैं तुम्हारे लिए कभी भी राइस केक नहीं बना पाऊंगी।